सर मेरा नाम साबर हुसैन साबर भिट्टा है। सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खुशाइन कदम है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस को नाका लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अगर हम लोग अवेयर हो जाएं। हम जब भी बाइक चलाएं, हम हेलमेट पहने, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, हमारे पास आरसी हो, हमारे पास इंश्योरेंस के कागज़ हों, हर चीज़ हमारी ओके रिपोर्ट हो, तो सर ट्रैफिक पुलिस को ज़रूरत नहीं पड़ेगी नाका लगाने की। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है और शुक्रिया ट्रैफिक पुलिस का। एक तो इससे अवेयरनेस होती है, वैसे भी एआरटीओ पुंछ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर लोगों को बहुत अवेयर करती है इन चीज़ों को लेकर। मैं इस आपके चैनल की माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो आजकल नए नए स्कूटी सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, वो जब 18 प्लस हों वो अप्लाई करें, ड्राइविंग लाइसेंस लें, उसके बाद जो है वो गाड़ी चलाएं। और ट्रैफिक रूल जो हैं, अगर कोई फोर व्हीलर चला रहा है तो उसको भी चाहिए कि, मैं इतना ही कहूँगा कि वो सीट बेल्ट ज़रूर पहने और अपने कागज़ पोल्यूशन चिट तक हर एक चीज़ जो है उसकी ओके होनी चाहिए। स्टूडेंट और जो स्कूल प्लस टू के जो स्टूडेंट होते हैं या 11th के, वो एक्चुअली टीनेजर्स हैं, वो छोटे, उनके अंदर बहुत उमंग और वलवला होता है तेज़ चलाने का। लेकिन हम, उन्होंने भी देखा होगा और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे कितना नुकसान, हमारे कितने नौजवान जो हैं वो सड़क हादसे में दुर्घटना का शिकार हुए। वो इसीलिए कि वो, एक तो उन्होंने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया, दूसरा वो है कि उन्होंने अपनी जान इसी जल्दी में किसी दिखावे के चक्कर में आके अपनी जान गंवाई। नौजवानों को मैं इतना ही कहूँगा कि जब आप 18 प्लस हो, लाइसेंस लो, गाड़ी के कागज़ ओके करो, ड्राइविंग सीखो। बाकायदा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे जो एआरटीओ पुंछ से रिकमेंडेड हैं, अथॉराइज्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनसे ड्राइविंग सीखो और ट्रैफिक रूल जो है वो फॉलो करना हमारे अपने लिए बेहतर है। ट्रैफिक पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना हमारी अपनी सलामती के लिए, हमारी अपनी बेहतरी के लिए है। आज सुबह से हमने नाकावली चौक, हमने यहाँ पे नाका लगाया है। आज का हमारा यही मोटो था कि खासकर 22 के ऊपर क्रैश विदाउट क्रैश हेलमेट और खासकर वायलेशन ऑफ साइलेंसर बुलेट पे। तो सुबह से हमने 4-5 चलान किए हैं, तो पहले से हेलमेट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग अब कुछ डालना शुरू हुए हैं हेलमेट, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ युवा को कि वो कम से कम अपना हेलमेट डाल के चलें और प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखें। मैं आपके माध्यम से ये कॉलेज बच्चों को कहना चाहता हूँ, जो 18 साल से नीचे हैं वो बाइक यूज़ ना करें, तो जो जिनके पास लाइसेंस है तो वो प्रॉपरली हेलमेट डाल के चलें और अपनी स्पीड लिमिट स्पीड से चलें।